हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्वी एंड तन्मय। तो आज हम लोग आए हैं बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क, जिससे कि कॉमन पीपल जो है वो बोलते हैं मांझी ज़ू। और क्योंकि आज संडे है और इतने दिनों बाद ज़ू खुला है, तो यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है, जो कि अभी भी स्टार्ट हुई है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम लोग अंदर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए, वाइट टाइगर है, ये इंडियन वाइट टाइगर, देख सकते हैं कैसे चल रहा है। तो इधर पहले ही सो रहा था और थोड़ी देर वेट करने के बाद ही उठ चुका है, और अब तूफान मचाने के लिए स्टार्ट हो चुका है। ये देखें, कुछ सोच रहा है क्या करना है, पिंजरे से बाहर कैसे निकलना है। देखिए ये, देखिए ये अभी चढ़ने की कोशिश करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो इसका दोस्त है, जिसका नाम है इंडियन टाइगर, नॉर्मल टाइगर जो येलो कलर के स्ट्रिप्स होते हैं, वो देखिए अभी खड़ा हो गया, कुछ बातें कर रहे होंगे। ये देखिए किस टाइप से खड़ा है, अभी देखिए कुछ इस टाइप से, देखिए नीचे उतर गया, थक गया होगा। मैं आपको दिखाऊंगी नॉर्मल कैट्स, ये देखिए नॉर्मल कैट्स, मतलब नॉर्मल कैट्स को भी रख लिया, थोड़े दिनों बाद तो डॉग्स को भी रख लेंगे फिर। ये देखिए नॉर्मल कैट्स, ये आप आमतौर पे देखते होंगे इसे घर के बाहर। अब देखिए चीता बिल्ली, ये आपने नहीं देखा होगा, बहुत ही कम पीपल्स ने इसे देखा होगा, चीता बिल्ली। अब कह सकते हैं इसका बच्चा है, क्योंकि ये वैसा ही है, बस थोड़ा खतरा। ये देखिए लायनेस फीमेल, और अब ये लायन, ये है मेल, देखिए मेल और फीमेल दोनों दिखा दिया मैंने, जो भी कंफ्यूजन होता है दूर हो गया। मेल के शरीर पे बाल होते हैं, थोड़ा मोटा होता है, फीमेल के शरीर पे बाल नहीं होते हैं। ये देखिए किस टाइप से आइडेंटिफाई किस टाइप से करना है वो आप देखिए। अभी देखिए यहाँ पे दो लाइन्स थे, एक लाइन ही दिख रहा है। अब आखिरकार पहुँच गए हम ज़ू कैंटीन, ये है बिरसा ज़ू कैंटीन, और आधे रास्ते के बाद ये आपको मिलता है। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, सॉफ्ट ड्रिंक से लेके खाने तक सब कुछ, यहाँ तक कि आइसक्रीम्स भी मिलती है, और बैठने का पूरा प्रबंध है यहाँ पे। हम लोग भी यहीं पे रुके हैं। अब भीड़ देखिए यहाँ पे, ये आधे से भी कम लोग हैं। आप सोचिए कितने लोग आए होंगे ज़ू। ये ज़ू का टाइम टेबल भी चेंज हो गया है, इसलिए बहुत लोग आते हैं शाम के टाइम में ही। एंड मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, क्योंकि आधा सफ़र ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, और क्योंकि ये बड़ा सफ़र, देखिए मैं खा रही हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, एंड तन में भी काफ़ी थक चुका है। तो अब देखिए इट्स टाइम टू शो यू हाउ दे कुक फूड। देखिए अब किस टाइप से वो समोसा चाट बन रहा है यहाँ पे चाउमीन भी बन रहा है। ये देखिए चाउमीन आते हुए एंड लोग उठाते हुए। ये देखिए हिमालयन ब्लैक बेयर, यहाँ पे आपको तीन नहीं, यहाँ पे आई थिंक फाइव हैं, क्योंकि दो पीछे मैंने देखे थे और यहाँ पे तीन हैं, आई थिंक देयर इज़ फाइव बेयर्स। ये देखिए ये लोग खा रहे हैं बनानास, और उनके छिलके नहीं खा रहे हैं, विथ बनाना एंड विथ देयर पील खा रहे हैं। ये देखिए बेयर्स, इससे पहले मुझे बेयर नहीं दिखा। अब ये देखिए ये है हम हाथी, मेरा साथी, माई फेवरेट एनिमल्स हाथी और एलिफेंट। इसका बच्चा पीछे साइड है, ये फीमेल है। आप भीड़ देखो, ये देखिए उनके साथ उनके एक अंकल भी हैं जो उन्हें ध्यान रखते हैं उनका। और ये देखिए भीड़ देखो, भीड़ आप, अब ये देखो उसके ऊपर वाटर टैंक भी है, और राइट साइड में दिख नहीं रहा है कैमरा में, एक स्विमिंग पूल बनाया गया है इसके लिए। आप देखो जिस टाइप से हाथी मूव करता है, उस टाइप से लोग मूव कर रहे हैं कि मुझे तो आज हाथी देखना है। ये देखिए अब पीछे जो आप देख रहे हैं वो उसका घर है, जहाँ पे उसे रात में रखा जाता है। एंड ये देखिए, चलिए हम भी थोड़ा आगे चलते हैं, सब आगे चल रहे हैं। तो ये देखिए अभी इन्हें थोड़ी शांति मिली है, ये लोग आराम से वहाँ पर, देख लीजिए आप। आई थिंक जो बच्चा है उसे कुछ ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसलिए वो बिना किसी को पूछे घूम रहा है। ये देखिए ये देख सकते हैं, ये है फीमेल एलिफेंट एंड दिस इज़ स्पॉटेड डियर। अगर आप जंगल जाएंगे डेफिनेटली ये दिखेगा, ये उनका आधा झुंड है, आधा झुंड उस साइड है,
उस साइड भी लोग देख रहे हैं और काफ़ी मुश्किल से इन्हें देख पाए क्योंकि यहाँ पे भीड़ लोगों की लगी होती है हमेशा। अब देखिए डियर्स अभी ग्रीन ग्रास खा रहे हैं, ये देख सकते हैं उनका झुंड जो कि कैमरे में भी नहीं आ पाया पूरा, आधा इस साइड आधा उस साइड इस मूव करके लेना पड़ रहा है। ये देखिए आप एकदम बच्चे बड़े सब हैं मिक्स एकदम स्पॉटेड डियर्स। एंड अब हम बहुत थक चुके हैं तो हम चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कभी ना कभी यहाँ ज़रूर आइए। थैंक यू, बाय बाय।